करण जौहर और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच बड़ा झगड़ा चल रहा है और काफी वक्त से दोनों के बीच बातचीत भी नहीं है। इसी झगड़े की वजह से ऐश्वर्या ने करण की तरफ से मिले अगली फिल्म के ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया है। एक वेबसाइट के मुताबिक करण और ऐश्वर्या के बीच झगड़ा तब शुरू हुआ जब दोनों फिल्म ए दिल है मुश्किल में काम कर रहे थे। दोनों के बीच असली विवाद तब खड़ा हुआ जब करण ने अनुष्का के बिना ऐश्वर्या को फिल्म का प्रमोशन नहीं करने दिया। खबर है कि इस फिल्म की सफलता के बाद जब करण ने ऐश्वर्या को अपनी अगली फिल्म का ऑफर दिया तो ऐश्वर्या ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। तब से मिलना जुलना तो दूर, ऐश्वर्या और करण जौहर के बीच बातचीत भी बंद है। दोनों के बीच झगड़े की अफवाहों को तब और हवा मिली जब हाल ही में ऐश्वर्या राय के पिता कृष्णा राज के अंतिम संस्कार और चौथे में पूरी फिल्म इंडस्ट्री पहुंची, जबकि करण जौहर दिखे तक नहीं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।